कल क्या है जेई की क्लास है, आज वेडनेसडे है ना, मुझे भी उनसे वेडनेसडे होगी ना तीन क्लास, कल जेई की क्लास है और नया चैप्टर चालू करेंगे। अरे ये खत्म कर देते अगले वीक तुम्हारी ऑलमोस्ट छुट्टी रहेगी। तो एक डेढ़ घंटा पीछे वाले रूम में बैठ के पढ़ाई कर लिया करना आराम से, टेस्ट की प्रिपरेशन कर लिया करना। दोनों बैच साथ में नहीं हो जाएंगे क्या? दोनों साथ में हो जाएंगे? नहीं, तुम्हारे तो एसी चल रहा है, एसी कौन सा? एसी हो गया ठीक है, वो ऐसा नहीं। अरे देखो बेटा मोम आया है सब, तुम्हारी मिसाल दे रहा था मैं इलेवंथ वालों को, उनका कितने सिंसियर और अच्छे बच्चे हैं। बताया कल सिंपल बात ये हम उधर बैठा ना, इधर स्टडी में तीन जन होते वो पूरा क्लास भरा होता है, अच्छा नहीं होता है, चेयर लगा के बैठे होते मैक्सिमम होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। आई बात समझने में? ये बात क्लियर है ना? कंस्ट्रक्टिव में इंटरफेरेंस रहेगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम हो जाएगा, ठीक है? इतना बात क्लियर है? Yes, इसके बाद देखो अपने को कंडीशंस निकालनी है, कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के, आपको कंडीशन ये लिखना है आपको। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो हमारे पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या मिला था? I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर, इसको डेल्टा फाई लिख लेता हूँ, फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही था कल? I इक्वल टू 4I0 लिखना है ना, उसका 4I0 cos स्क्वायर इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमने कल देख लिया था। अच्छा इस इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में ये है कि जो दोनों सोर्स है उनकी इंटेंसिटी क्या है? इक्वल है। दोनों सोर्स की इंटेंसिटी क्या है? इक्वल। अगर मान लो इंटेंसिटी अलग अलग है, ये तो कब कंडीशन है? इंटेंसिटी इक्वल है तो इफ I1 and I2 दोनों की इंटेंसिटी I0 के बराबर है, अदरवाइज क्या होगा? इफ I1 is not equal to I2 देन I नेट का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनता है I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 into cos phase difference यानी डेल्टा पर cos बाहर देते है ना, समझ आ गई बात? ये अभी कैसे आया, अभी इसके बारे में मत सोचो, मतलब इंटेंसिटी अलग अलग है ये तो अभी कहीं मेरे हिसाब से आगे आ जाएगा, मैं बताऊंगा मैं। हाँ ये रेशियो ऑफ इंटेंसिटी यहाँ बता दूंगा, ठीक है? समझ आ रही बात? अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, समझ रही बात? अब इस वाले फॉर्मूले से देखोगे तो आई मैक्सिमम होने के लिए कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 कितना होना पड़ेगा? 1/2 इक्वल टू होना चाहिए 1, और यहां से देखोगे तो कॉस डेल्टा 5 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दोनों से सेम रिजल्ट मिलते हैं, इसको इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? कॉस डेल्टा 5 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1, तो डेल्टा 5/2 कितना हो जाएगा? पाई एन पाई हो जाएगा, एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी हमारे पास यहां पे? 0 से 0 से 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है?
तो डेल्टा फाइव कितना मिल जाएगा, टू एन फाइव के बराबर। यहां से निकालो कॉस फाइव इक्वल टू कितना होना चाहिए, वन। तो डेल्टा फाइव कितना होना चाहिए, डेल्टा फाइव क्या होना चाहिए, टू एन फाइव ही होना चाहिए, समझते। और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, जीरो वन टू थ्री ऐसे चल रहा है, बराबर है, समझ ही जाती है ना। अब देखो ये आपको फेज, यहाँ पे ना फेज और पाथ दो ही चीजों का रोल होता है मेनली। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा फाइव इक्वल टू टू एन फाइव, समझ रही बात। कल हमने एक रिलेशन लिखा था कि बिकॉज फेज डिफरेंस, या परसों लिखा था के इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा फाइव अपॉन की, डेल्टा फाइव कितना मिल गया, टू एन फाइव, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, टू एन पाई डिवाइडेड बाई के की वैल्यू टू पाई बाई लैम्डा, टू पाई से टू पाई कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन लैम्डा। एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। मतलब देखो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, दो वेव्स के बीच में टू एन पाई का होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा का। अब ये भी ध्यान रखना है एन की वैल्यू कहाँ से चालू होती है, जीरो, एन की वैल्यू जीरो से चालू होती है, अगर वो जीरो हुआ तो दोनों का वो सेम हो जाएगा, डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, समझ आ गई बात, ये क्लियर है ना। अगर हाँ सारा लिखना ही है तो डेल्टा एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, जीरो लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा एंड सो ऑन। इस टाइप के पाथ डिफरेंस अगर आपको मिलते हैं तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ध्यान रखना कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बना दिए जो याद रखने हैं, ठीक है ना। एन की वैल्यू याद रखनी है, कहाँ से कहाँ चालू होनी है ये पूछूंगा मैं, और फिर तुम इसी में उल्टा सीधा बताओगे, समझ लिया ना बात को। मतलब दो वेव के बीच में अगर तुम्हें 2n पाई का फेज डिफरेंस मिल रहा है या n लैम्डा का पाथ डिफरेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, उस टाइम पे इंटेंसिटी क्या मिलेगी। अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर है तो कितनी हो जाएगी, 4i1, और अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर नहीं है तो i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ओवर i1। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, रूट i1 प्लस i2 रूट i2, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यहां पे, इंटेंसिटी आई इक्वल टू हो जाएगा फोर आई नॉट, कब, जब आई वन और आई टू की वैल्यू क्या है, बराबर है, अदरवाइज क्या होगा, आई नेट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू टू रूट आई वन। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट आई वन, क्लियर है ना माइंड में क्या चल रहा है, यस सर। मतलब ऑल क्लियर तो नहीं है ना, नहीं ऑल क्लियर नहीं है। और लमन राइट, क्लियर सब क्लियर है, बहुत बड़ा दोस्त है यार, लेजर होती है मोनोक्रोमेटिक सोच सकता है यार, बोल नहीं सकते क्योंकि कलर एक दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि मोनोक्रोमेटिक हो रहा है, हो सकता है कलर और भी हो वो डोमिनेट नहीं करता, उसको पिक्सेल में डाल से स्टॉक मार्केट थोड़ी है, नीचे उधर खरीदे तो ऐसे भी एनआईटी अच्छी नहीं है, आईपीओ निकाल देते हैं अपन, फंड की जरूरत है, और कितने फंड हमारी फीस
फंड से काम थोड़ी ना है हमारी फीस तो फंड है भाई वो काम कर लिए ना एक्स्ट्रा रात फंड दो चार ब्रांचे खोल लेते हैं जामनगर में हम लोग उसमें दो चार ब्रांच सर बट मुझे काम है कवर हो गया अपना और चले गए इतना कवर करने के लिए नहीं वो तो उसके साथ टाइम और अभी सर बोल 7 किलोमीटर कैंट साइड तो यार वहाँ के बच्चे तो आ ही नहीं पाते ना अपने साइड इधर कैंट वाले अंदर वाले आते हैं जैसे बाहर उधर ग्रीन सिटी वाला बहुत दूर दूर एरिया वाले उधर बोल दो किसी के बापू जी का नहीं है किसी के बापू जी का जुगाड़ नहीं चलता वहाँ के अलग ही बापू जी है तुम्हारे घर में लीगल बिजनेस कौन कौन से है कॉन्ट्रैक्टर है और फिर बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर तो मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक काम करते हैं गवर्नमेंट डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के अंडर में ही क्या डिफेंस मतलब प्राइवेट में है कि गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट जो काम करवाती है ना डिफेंस और प्राइवेट कंपनीज को देती है अच्छा गवर्नमेंट नहीं है गवर्नमेंट टेंडर निकालती है ना तो इनकी कंपनी को मिलता है टेंडर जामनगर के मिलते हैं बाहर का भी कहीं और जैक चेक लगती है किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है क्यों बात समझ ही सकता है तो कि कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जाएगा कैसे जाएगा कैसे जाएगा कितने में जाएगा और क्या एक्सटर्नल प्राइस होता है वो कितना पानी पिलाना पड़ेगा हो गया बैठ गया क्यों मैं बोल करता फोर एंड हाफ आवर पूरा रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए वो भी नहीं केमिस्ट्री क्लास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो भी वापस कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए इंटेंसिटी मिनिमम कितनी हो सकती है यहाँ पे जीरो बिकॉज इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर अरे क्या कर रहे हो बेटा तुम्हारे एक साइड का पुर्जे तो डिले हो चुके हैं फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू इसमें कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू क्या होना चाहिए जीरो जीरो कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो
मतलब डेल्टा फाइव बाई टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑड मल्टीपल होना चाहिए, तो उसे ऐसा लिख सकते हैं 2n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 भी आ सकता है, इसमें माइनस 1 की वैल्यू 1 से शुरू होगी। इसमें n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n माइनस 1 पाई के बराबर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा फाई कितने मिल जाएंगे? पहला फाई कितना मिलेगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, बराबर है। इंटेंसिटी अगर इसकी बात कर लें तो इसमें कॉस फाई कितना होना चाहिए? मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस फाई कितना? माइनस वन होना चाहिए, वो स्क्वायर था इसलिए। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I1 plus I2 minus इसमें तो जीरो हो जाएगी, है ना? अदरवाइज क्या हो जाएगी? I minimum equal to क्या हो जाएगा? अगर अलग अलग है तो root over of I1 minus root over of I2 का whole square, ठीक है ना? ये बात समझ आई? Yes sir। अच्छा ये बातें और कर लेते हैं अपन, थोड़ा sequence उल्टा सीधा हो गया, ये बाद में बताना था। इसके बाद अगर अपन देखें तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई बाई के, बराबर। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? डेल्टा फाई मतलब कितना? प्लस 1 इनटू 2n माइनस 1 इनटू पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई लैम्डा पाई से पाई चला जाएगा, तो डेल्टा x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2n माइनस 1 इनटू लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर दिए? 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, बराबर है। तो डेल्टा क्या कर रहा है नमन? ये पागल हो गया सर, बच्चों की तरह बता रहा है। वन आपने पूछा कहाँ से चालू हुई थी, अभी तो इसका खत्म भी नहीं है, ऑलरेडी पागल हो गया। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? अगर वैल्यूज की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? पहला लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, पहला जीरो नहीं होगा, 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए, तब जाके ही क्वेश्चन होंगे इसके। अगर आपको ये उल्टे सीधे हो गए ना कंडीशन सारे, तो आंसर उल्टे सीधे आ जाएंगे फटाफट से। और वैसे तो कल मैं याद करवाई दूंगा तुम्हें, पहले तो है ना 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से याद कर लो, अभी पूछ लेता हूँ ताकि काम खत्म करें। अब YDAC एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लेते हैं पहले। देखो ये पहला वाला डायग्राम मेरे से अच्छे से ढंग से बनाने कहूंगा, ये वाला कार्डबोर्ड वाला जो डायग्राम है खोल रहा था। ये इम्पोर्टेंट चीज है YDAC का एक्सपेरिमेंट, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल भी है। YDAC एक्सपेरिमेंट तो देखा है आपने को, देखो इसमें एक डायग्राम तो कार्डबोर्ड वाला दे रखा है, मैं उसका दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ जो सिंपल है बनाने, तो मैं दोनों होते हैं, अगर वो पूछेगा तो दोनों टाइप के डायग्राम बनाने होते हैं। आपसे भी बनते हैं, मैं बना दूंगा, टाइम लगेगा उसके। आप करो तो नेक्स्ट एग्जाम में बनते हैं। ये चले ले बना देता हूं। अरे ये लो विकास का है, ये पेज पर चल रहा है। अरे 500 में टाइम पास करवा रहा है। अरे ये क्यों देने दो, अब तेरे पे बनाना पड़ेगा। देखो ये इसका एक डायग्राम हो गया, दूसरा डायग्राम में क्या है कि सिर्फ S1 S2 को बना रहे हैं यहाँ पे ना। हाँ सर।
ये S1, ये S2, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है ये सोर्स है, ये D सेपरेशन हो जाएगा, स्मॉल D, ये कैपिटल D हो जाएगा, ये स्क्रीन है यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट है O, ठीक है, यहाँ पे सोर्स है अपना S, उससे लाइट ऐसे आ रही है, दो अलग अलग ये दो टुकड़े आई बात समझे ना, यस सर। यहाँ से निकलने के बाद लाइट जो है वो पी पॉइंट में मिल रही है, तो ये पी पॉइंट बना देते हैं अपन, सर नीचे वाली लाइट है सब ऊपर कैसे जा सकती है, क्यों नहीं जा लाइट तो सब सब जाएगी ना, यहाँ से सब डायरेक्शन में लाइट जा रही है ना, कोई एक ही रे बना रहा हूँ मैं, सारी जगह पे जाती है, सारी जगह पे जाती है लाइट, तो एक रे ले रहा हूँ बस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसे इन्होंने एक्स बोला है, बेटा इतने ही सुनते होना चाहिए तुम्हारा डायग्राम, नहीं कल तुम तुमसे बोर्ड पे बनवाऊंगा ना, इससे सर हमने तो बोला नहीं था, मस्त है, ठीक है समझ आई बात, ये डायग्राम बताओ फटाफट, ये वाला मैं बता दूंगा बोर्ड पे, ये वाला नहीं बनाया बोर्ड पे, सारे बनवाऊंगा मैं, बहुत इजी हो वाला, हमें सारी लाइन ही नहीं है, ऐसे में सर वो एंगल देने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ये बता ना, नोटबुक पता चलेगा, अरे बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, देख कितना सही है, देखो यहाँ से ये जो सेपरेशन अपने को क्या है ना, पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एस वन पी और एस टू पी के बीच में पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस ही तो अपन कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब मैक्सिमम है देखो S1 से S से S1 और S से S2 वो तो बराबर लाइट कवर कर रही है, बराबर डिस्टेंस आ रही है, हाँ। S1 से P और S2 से P कौन सी ज्यादा ट्रेवल कर रही है, S2 से P, तो पार्ट डिफरेंस को क्या लिखोगे, S2 P माइनस S1 P माइनस S1 P, मतलब एक दो चीजें इसमें ना माननी पड़ेगी, इसमें थोड़ा मेरा साथ देना तुम लोग, है ना, पूछना मत, पूछना मत बस, समझ आई बात, ये क्योंकि इसमें वो कंडीशंस नहीं दे रखी, जेई में मैं तुम्हें समझा दूंगा ढंग से, इसमें वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, बराबर है बात, अरे ये क्या नहीं है, लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं पर वाईडीएसी करवा रहे हैं, अब देखो अपने को ये पार्ट डिफरेंस निकालना है, एस टू पी माइनस एस वन पी, तो एस वन पी ओ, यहां से देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना, इसको क्या नाम दे दे, Q, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको नाम दे दो Q डैश, बराबर, अब देखो S1P Q के लिए ये जो S1P है वो हाइपोटेन्यूज है, और S2P Q डैश के लिए ये हाइपोटेन्यूज, तो फ्रॉम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एस वन पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एस वन पी को क्या लिख सकता हूँ, एस वन पी को लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ, अच्छा है ना, पी क्यू का स्क्वायर, एस वन क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है,
एस वन और एस टू ये सेंटर लाइन होती है तो ये डी बाई टू होता है, ये भी डी बाई टू होता है तो वो कितना हो जाएगा नहीं वो तो और वो कम होगा दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना देगा एस वन क्यू ये तो डी है और ये कितना है एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर This is equation number one. Or from triangle S to P Q dash. S to P Q dash से S to P का whole square equal to क्या लिख सकते हैं? S to Q का square मतलब D square plus X plus डी वाई टू बराबर तो इक्वेशन बना ली मैंने अब मेरे को क्या निकालना है एस टू पी माइनस एस वन पी निकालना है एस टू पी माइनस एस वन पी निकालना है तो इक्वेशन वन और टू को मतलब टू में से वन को मैं सेपरेट कर देता हूँ समझ रही बात ये इक्वेशन टू माइनस वन कर देते हैं इधर कितना मिल जाएगा एस टू पी का होल स्क्वायर माइनस एस वन पी का होल स्क्वायर और इधर क्या बचेगा डी स्क्वायर चला जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई फोर डी स्क्वायर बाई फोर चला जाएगा टू एक्स डी बचेगा टू डी टू एक्स डी बाई टू एक्स डी बाई टू है टू इंटू एक्स इंटू डी बाई टू का डबल टू एक्स टू एक्स बात समझ रही अब देखो यहाँ पे क्या करें इसको अपन अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं एस टू पी माइनस एस वन पी मल्टीप्लाई एस टू पी प्लस एस वन पी बस अब यहीं पे ट्विस्ट है इसमें ना इसमें क्या है ना कि ये जो एंगल है मतलब ये जो लाइट है एक बात तो ये होता है कि डी जो होता है वो छोटा होता है इतना बड़ा होता नहीं है डी क्या होता है बहुत छोटा होता है मतलब बहुत छोटा होता है अगर बहुत छोटा होगा और डी बहुत बड़ा होगा या ऐसा बोले कि डी के स्मॉल डी के कंपैरिजन में कैपिटल डी की वैल्यू ज्यादा होगी अगर कंपैरिजन में देख लेते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइट्स जो है वो ऑलमोस्ट पैरेलल जाएगी देखो समझ एज्यूम करके देखो ये बहुत पास पास है इनसे जो दोनों लाइट जाएगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल होगी ऑलमोस्ट होगी कि नहीं होगी ऐसे ही होगा ना और जब ये बहुत छोटा होगा तो x की वैल्यू भी बहुत कमी मिलने वाली है बहुत ज्यादा नहीं मिलता है तो ये जो लाइट की जो लेंथ है ना वो d के बराबर होती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किसके बराबर होती है d के बराबर एस टू से p है ना यानी इसका मतलब अपन ऐसा बोलते हैं कि s1p और s2p ऑलमोस्ट क्या होते हैं बराबर होते हैं दोनों आपस में इक्वल होते हैं और किसके बराबर हो जाते हैं डी के बराबर पर तुम बोलोगे कि सर एस टू पी माइनस एस वन पी तो फिर जीरो हो जाएगा ना बस इतना ही ट्विस्ट आपको याद रखना है कि दोनों का सम तो क्या लेना है टू डी लेना है ये तो हमें निकालना है भाई डिफरेंस है कितना है कम बट कितना है वो हमें निकालना है तो बिकॉज यहाँ इसमें कोई कंडीशन लिखी हुई है तो मैं कंडीशन लिखी है तो मैं बता देता हूँ ये देखो यहाँ पे जो होता है d is less than capital D होता है ये कंडीशन आपको याद रखनी है d is less than क्या होता है capital D होता है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि s1 p is near about equal to s2 p and near about equal to capital D के बराबर हो जाएगा तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि s1 p plus s2 p जो होगा टू डी के बाद नियर अबाउट टू डी के बराबर हो जाएगा इस टू डी को अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो एस टू पी माइनस ऑफ एस वन पी इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स डी डिवाइडेड बाई कैपिटल ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी एंड एस टू पी माइनस एस वन पी नथिंग बट पार डिफरेंस है ना तो पार डिफरेंस कितना हो जाएगा एक्स डी बाई डी
डी वन पढ़ा ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन अपन ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। अरे बस हमने अब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए जी बताएगा देखना जी पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख मत यार ऐसे ये है ही नहीं सर हाँ देख भैया बोल तू भी सोच जिसको टाइम दिया है वन माइनस वन लैम्डा बाय टू ओ हो गया ना टू एन लैम्डा फिर भी गलत है यही तो प्रॉब्लम है ना यार बोला था कि ढंग से पढ़ो नहीं तो नहीं होगा आगे के सारे क्वेश्चन पाथ और फेस भी डिपेंड करते हैं इसके अभी एक इंसुक बताएगा फटक डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा 2n-1 n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी चाहिए 1 से 1 से और क्या डिस्ट्रक्टिव के लिए फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए पीछे लिखा हुआ है पीछे लिखा हुआ है मैं समझता है और लिखा हुआ है अब बता कंस्ट्रक्टिव के लिए फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए नहीं अब पता ना अब आया नोट पार्ट के नीचे कंस्ट्रक्टिव का फेस डिफरेंस कितना होता है कितना n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है 0 से डिस्ट्रक्टिव का फेज डिफरेंस कितना होता है 1-1 n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है 1 से अरे डिस्ट्रक्टिव का फेज डिफरेंस कितना होता है 2n फेज डिफरेंस 2n-1 5 n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है 1 से कंस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस कितना होता है कल तो मैं इतने घूम हो गए मतलब देख ना अच्छे से कंफ्यूज तो देख ले इसमें क्या लिखा हुआ है देख ले देख के सही बोल दे तो पूछो 50 रुपए थोड़ा है ना तसल्ली से याद करके आना कंफ्यूज तो मैं करूंगा ही ना क्लियर होगा वहाँ भी क्वेश्चन में ऐसे आएगा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मैक्सिमा मिनिमा तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो गलत हो जाएगा आंसर एक के बाद एक थोड़ी पूछ लेगा तुम्हें एक के बाद एक थोड़ी ना याद होगा वहाँ पे कितनी सारी चीजें फिर उसमें से एक पूछेगा वो पूरा पेपर डिस्ट्रक्टिव लगाया है हो गया गलत वो तो अभी क्लियरिटी रखो ना माइंड में पार्ट डिफरेंस कितना होता है एन लैम्डा एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है जीरो तो यहाँ से देखो ये मेरे को फेज पार्ट डिफरेंस मिल गया है इसको अगर मैं एन लैम्डा के बराबर कर दूंगा तो कौन सी लोकेशन एक्स की वैल्यू एक्स इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कि सेंटर पॉइंट से कितना ऊपर मैक्सिमा मिलेगा सेंटर पॉइंट से कितना ऊपर मिनिमा मिलेगा वो कौन डिसाइड कर देगा एक्स की वैल्यू बता देगी तो डेल्टा एक्स फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए एन लैम्डा होना चाहिए नहीं होना चाहिए डेल्टा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए एन लैम्डा के बराबर तो अपन ऐसा क्या बोल सकते हैं कि एन लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा एक्स डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी के बराबर हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी थी एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी थी कंस्ट्रक्टिव है ना जीरो से तो फॉर एन इक्वल टू जीरो जिसको बोलते हैं एक्स नॉट की वैल्यू क्या आएगी जीरो इसे बोलते हैं सेंट्रल राइट फ्रिंज समझ आई बात फिर राइट
एन इक्वल टू वन के लिए मिलेगा एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये होता है फर्स्ट राइट फ्रिंज या फिर फर्स्ट मैक्सिमा, इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं, है ना, या फिर सेंट्रल राइट फ्रिंज बोल दो, ये हो जाएगा कौन सा फर्स्ट, ये पूरा लिखो, पूरा नहीं लिखो फर्स्ट ऐसे एंड सोन ऐसे हो जाएगा n इक्वल टू एन एक्स, यानी n के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एन इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये क्या हो जाएगा n बी है, n एच डी है, ये क्या है लोकेशन से, x1, x2, x0 ये क्या है लोकेशन है, लोकेशन सेंटर लाइन से कितना ऊपर और सेंटर लाइन से कितना नीचे, जैसे प्लस में चल रहे वैसे माइनस में भी चलते ही है, मतलब उधर भी सेंटर लाइन से ऊपर भी मैक्सिमम मिलता है फर्स्ट मैक्सिमम, सेंटर लाइन से नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमम मिलता है, जितना ऊपर उतना नीचे भी मिलता है, तो ये सब क्या है मैक्सिमम, x0, x1 ये सब तो पोजीशन, xn पोजिशन ऑफ ढंग से याद करना भाई, कंफ्यूजिंग है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉपर टाइम दो और ढंग से पढ़ के आना कल, अगर कल पढ़ के नहीं आए तो मुझला ही पक्की है, ये तो गारंटी है, कल अंदर बैठना पूरा पूरा दो बार कर, उसमें तो कुछ नहीं आगे तो पोलराइजेशन लॉ मेरे पूछ लूंगा और क्या है कोई बात नहीं, ये वाला तो कर देगा ना, इसके पहले वाला इंटरफेरेंस का पक्का इसका डेरिवेशन क्या है आज वाला सेशन रटना है, सर जो आ गए तो बात आ गया तो फेस पूछ लेंगे, फेस आ गया तो बात पूछ लेंगे, सिंपल है इसमें टू पांच में टू नहीं होगा, मैं जीरो से इसमें वन अक्षर तो पांच में पाई बोलेगा, इतनी तो कॉमन सेंस हो नीचे के फेज में पाई आएगा है ना, और पांच में पाई नहीं आएगा, पांच में लैम्डा आएगा, अगर इसी कॉमन सेंस को यूज नहीं करोगे तो उल्टे सिद्धांत है, कंस्ट्रक्टिव में जीरो और टू एंड माइनस वन सिंपल ना देखो लिखने ले, अगर ऐसा लगे ना तुम्हें कि बहुत जरूरी काम है तो ऐसा क्या करो, कॉल करके एक मैसेज छोड़ दिया करो, सबसे बढ़िया ये, अरे नहीं जैसे तुम लोग कभी क्या होता है कि कुछ लोग ना दो तीन बार कॉल कर देते हैं, उससे बेटर ये है कि आप एक मैसेज छोड़ दो सामने वाला पढ़ के, अगर बिल्कुल ही आपका कोई अर्जेंट काम है तो वो सामने वाला फटाफट कॉल कर लेगा आपको, नहीं क्या, अदरवाइज वो अपने कंफर्ट के हिसाब से जब फ्री होगा तब फोन करेगा, इसलिए आपको कोई अर्जेंट काम है तो एक मैसेज छोड़ दो कि ये काम था इसलिए मैंने कॉल किया रखा था, गाली आने की पॉसिबिलिटी भी है, अगर इस काम के लिए फोन करता है तो ब्राइट फ्रिंज की लोकेशंस के बारे में आइडिया लग गया, अब डार्क फ्रिंज की लोकेशन के बारे में आइडिया कर लेते हैं, मिनिमम इंटरफेरेंस है ना, फॉर ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना हो जाएगा, डार्क फ्रिंज समझे यार, कुछ कर लेगा
डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 और n की वैल्यू तो 0 1 से 0 को कर रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये लोकेशन कहां गई x dy लोकेशन नेगेटिव हो सकती है मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट पोजीशन के ऊपर और नीचे के लिए होता है ना तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से हमारे पास 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल d डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल d। अब x की वैल्यूज निकालो, देखो x इक्वल टू 0 तो आएगा नहीं इसमें, 0 नहीं आएगा इसमें मतलब सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं बनती है, सेंटर में हमेशा क्या बनेगा यहाँ पे इस वाले केस में क्या बनेगा YDAC में इस वाले सेटअप के लिए सेंटर पे क्या बनेगा राइट फ्रिंज। तुम खुद सोच के देखो दो लाइट ऐसे ये ऐसे बीच में राइट स्पॉट राइट स्पॉट बनता है ना, तो इसमें क्या बनेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज x1 मतलब किसके लिए बनेगा फॉर n इक्वल टू 1 के लिए x1 मिलेगा मिलेगा ना। अब एक हर्ष ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है उसमें, n की वैल्यू 1 के लिए x1 आ जाएगा, अदरवाइज वहां पे क्या रखना पड़ता है 2n प्लस 1 कर दे दो, n की वैल्यू 0 के लिए x1 मिलता मिलता नहीं मिलता, उसमें ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो मतलब n की वैल्यू 0 के लिए अगर प्लस 1 या 2n प्लस 1 करते तो तो फिर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है 0, फिर n की वैल्यू 0 के लिए क्या मिलता तुम्हें x1 मिलता, मतलब n की वैल्यू 0 पे क्या होता है फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलती है। तो अब यहाँ पे सिंपल हो गया ना, n की वैल्यू 1 पे क्या मिलेगा याद रखने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो x1 कितना हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा लैम्डा कैपिटल d डिवाइडेड बाय 2d, ये क्या हो जाएगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज। n की वैल्यू 2 के लिए क्या मिल जाएगा x2 मिल जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा 3। कल कैसे बताओगे तुम मेरे को, मुझे तो अभी भूल जाओगे तुम थोड़ी देर में, मिटा दूंगा उसमें याद करके आना भाई, अगर नहीं याद होंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि पूरा डेरिवेशन दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा और उसकी तो मेरे को गारंटी है न्यूमेरिकल कट इसके न्यूमेरिकल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और इसी टाइप के पूछे हैं, इसी पूरे पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे मेनली लोकेशन पे पार्ट डिफरेंस पे फेज डिफरेंस पे बस और कुछ नहीं पूछा जाएगा, समझ आ रही बात। अब तुम लोकेशन में गड़बड़ करोगे ना, जैसे तुम्हें माइंड से स्लिप हो गया कि भाई ये 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d होता है, इसमें भी उल्टा सीधा कर दोगे ना स्मॉल डी कैपिटल डी उल्टा सीधा तो आंसर गलत आएंगे। नहीं वो सब ठीक है, सब ठीक है तो फिर नहीं क्या गलत है मैं बोल रहा हूँ, जैसे ऑड वाले इसमें भी आएंगे उसमें भी आएंगे तो उसमें नहीं आएंगे ऑड वाले, अरे बाई 2 के फैक्टर आएंगे सारे नीचे। अच्छा हाँ बाई 2 ये बाई 2 के फैक्टर में आएंगे सारे, ये ऐसे आएंगे जैसे 0.5 1.5 2.5 बनेंगे उसमें इंटीजर नंबर बनेंगे 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे, समझ आ गई बात ये। तो ये इनके लोकेशन तो nth के लिए क्या हो जाएगा n लैम्डा नहीं 2n माइनस 1 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल d बाय 2 स्मॉल d nth डार्क फ्रिंज बराबर है, समझ आ रही बात ये। अगर तुम कुछ ऐसे पैटर्न देखो ना तो ऐसे पैटर्न मत दे स्क्रीन पे, ये कंप्यूटर जनरेटेड पैटर्न है, मैंने खुद जनरेट किए थे रात को बैठ के। मच्छर आ रहे हैं वो मजबूत नहीं है ना ये दीवार मजबूत है आवाज आती रहती है।
देखो तो आज अभी अब बोलता हूँ आज आज देखो मैं नहीं ये केमिस्ट्री तो कैसे नहीं लगा तो आगे जाना होगा नहीं केमिस्ट्री जल्दी से लिखो दे थोड़ा सा और बचा हुआ इसको खत्म करो अरे सर अभी मैं तो खो गया अरे इतना मान याद रहेगा आपका कितना सर अभी लिखने में इतना टाइम लगता है चलो करो ये तो सिंपल चीजें अरे मेरा तो वहां से बाकी है इसके आगे देखो एक फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ विड्थ फ्रिंज विड्थ कितना होगा उसको बोलते बीटा बीटा ये टू है अच्छा बीटा जरा सच है देखो फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है फ्रिंज विड्थ होता है ये दो सक्सेसिव ब्राइट या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिफरेंस लोकेशन वाइज है ना दो सक्सेसिव डार्क या दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का डिफरेंस होता है ये अब चाहो अपन डार्क से निकाले चाहे अपन ब्राइट से निकाले आंसर बराबर आता है समझ आ रही बात नहीं जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि फिफ्थ राइट फ्रिंज की लोकेशन क्या है ओम फिफ्थ राइट फ्रिंज की लोकेशन क्या बनेगी नीचे देखो हाँ देख के बता चल सामने देख के बता फिफ्थ राइट फ्रिंज की लोकेशन क्या मिलेगी और सिक्स राइट फ्रिंज की लोकेशन क्या मिलेगी इन दोनों का डिफरेंस या तो फाइव सिक्स का डिफरेंस या फिर फोर फाइव का डिफरेंस या फिर सिक्स सेवन का डिफरेंस या फिर फाइव सिक्स का डिफरेंस सक्सेसिव होने चाहिए एक के बाद एक वाला या एक के पीछे एक दो कंसेक्यूटिव चलेंगे हाँ मतलब समझ आई बात ये तो कितना जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना तो फॉरवर्ड हो जाएगा तुम्हारा अच्छा डार्क फ्रिंज के लिए बताओ थर्ड डार्क फ्रिंज किंसुक लोकेशन और फोर्थ के लिए अब दोनों का डिफरेंस अरे मैंने आपने थ्री पूछा था ना एक तो तू सेवन और फाइव टू नीचे बाय टू भी आता है बाय टू भी आता है नीचे हाँ सेम ही आ रहा है पहले भी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी अभी भी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी तो राइट फ्रिंज से निकाल लूं मैं देखो फोर एन एच एक्स एन कितना हो जाएगा हमारे पास एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी एंड फॉर एन माइनस वन राइट फ्रिंज एक्स एन माइनस वन कितना हो जाएगा एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी देन राइट फ्रिंज सॉरी फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा बीटा इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन ये वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर दो तो बीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस ऑफ एन माइनस वन टू लैम्डा डी बाय दैट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला हो गया है आज के लिए अंत है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैम्डा की वैल्यू बढ़ा दो तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट आएगा कैपिटल डी की वैल्यू बढ़ा दो तो बढ़ेगी डी की वैल्यू बढ़ा दो तो कम होगी ठीक है तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी अब नहीं होगा अभी ऐसा नहीं होगा इसके बेटा वो फिर छूट जाएगा तो फ्लो नहीं बनता है क्या हमारे फ्लो बनाने में बहुत टाइम लगता है यस बोल दिया सर अब तो खत्म करना पड़ेगा ये रेशियो वाला तो नहीं पढ़ना है पढ़ लिया देखो ये तो लोकेशन वाइज डिफरेंस है लोकेशन वाइज मतलब कितना डिफरेंस चल रहा है दो फ्रिंज के बीच में एक होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ या फिर एंगुलर विड्थ जिसे बताया जाता है ना एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर सेपरेशन के नाम से एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोल दो या फिर एंगुलर सेपरेशन बोल दो इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से तो थीटा इक्वल टू होता है बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी
बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी अगर बीटा डिवाइडेड कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इसमें डी का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा लैम्डा बाय स्मॉल डी एंगुलर सप्रेशन बस सर खत्म ना भी जेई में उतना ही अभी रहा होगा हां अभी जेई में नहीं है बोर्ड में भी कैसा है जेई का तो भी ये तो बोर्ड का भी कहां देखा है मेरे को पता नहीं पर लग गया है अब पुश मार दे पुश हो गया होती है एक्चुअली इंटेंसिटी कम नहीं होती है हर जगह मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम ही रहती है इसमें जहां जहां पे भी मैक्सिमा बनेंगे ना वहां वहां पे इंटेंसिटी हमेशा सेम मिलेगी कम ज्यादा नहीं होती है समझ रहे हो बात को तो तुम देखो कि एक टॉर्च से लाइट डालो और उसकी लाइट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है वैसा इसमें नहीं हो पाता वैसा इसमें नहीं होता इसमें क्या होता है सेम वो तुम्हें मैं ना आज वो भेजूंगा एक इसमें भी बहुत अच्छा है ये शायद मोबाइल में नीचे देंगे लिंक ये वो है इसमें वो होते हैं ना शायद कुछ एप्लीकेशन टाइप होता है वो चल भी जाए नहीं भी चले पता जाना उसमें देखना वो बहुत अच्छे हैं जावा वाले होते हैं जावा वाले चल जाते हैं मोबाइल में चलाने के लिए स्पेशल ऐप आता सही एनिमेशन चलाने के लिए बोल रहा है छोड़ो अभी अब देखो ये दो टाइप के पैटर्न है बट इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस है एक में जो है वो हाइपरबोलिक टाइप बन गए और एक में ऐसे सीधी सीधी लाइंस बन गई ये सब डिपेंड करता है कि डी सेचुरेशन कितना है डी सेचुरेशन अगर आपका देखो पहले वाले में 0.005 mm और दूसरे वाले में 0.025 mm दे रखा है सेचुरेशन अगर बढ़ जाएगा तो ये फ्रिंजेस जो है वो क्या हो जाएगी ऐसे पास पास आ जाएगी और स्ट्रेट लाइन बन जाएगी अगर डी की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो फ्रिंजेस ऐसे बनेगी कर्व के फॉर्म में सेंटर पे अगर ये बहुत कम कर देंगे तो एक हाइपरबोला बनेगा कौन सा अगर ये डी बहुत कम कर दो तो स्ट्रेट डी कम करने पे बढ़ेगा डी कम करने पे स्ट्रेट नहीं हो रहा है डी कम करने पे हाइपरबोला हाइपरबोलिक बोल रहे डी की वैल्यू तो देखते हैं बहुत कम कर देते हैं ये भी इसमें जितना आप एक मिनट इसमें डी ऐसा बीटा बढ़ता स्मॉल डी है ना और पहले वाले में बीटा कितना है 5 mm आ रहा है दूसरे वाले में बीटा कितना था 1 mm आ रहा है बीटा क्या बता रहा है ये कितना पास है कितना दूर है ना समझ रही बात वो तो इसके बाद है हमारे पास इंटेंसिटी का ग्राफ देखो इंटेंसिटी के लिए हमने कल इक्वेशन लिखी थी I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 बराबर है इस चीज है ना इसमें ग्राफ बना रखा है डी डी साइन थीटा के टर्म्स में डी साइन थीटा जो होता है ना वो होता है पाथ डिफरेंस क्या होता है वो पाथ इक्वल टू इसमें है ना डी नहीं रखा है डी साइन थीटा जो होता है वो पाथ डिफरेंस होता है या ग्राफ में नीचे दे रखा है तो इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनाओगे ये इंटेंसिटी और इधर जो है वो डेल्टा एक्स लिख लेना या फिर उसे क्या लिख लेना ये वाला टर्म तुम्हारे इसमें आता नहीं एनसीईआरटी में जेई में पढ़ाना पड़ेगा ये तुम्हारे पे ना ठीक है समझ आई बात ये डी साइन थीटा क्या होता है पार्ट डिफरेंस होता है अब देखो पार्ट डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स अगर 0 लेंथ हो 0 हो तो क्या मिलेगा सेंट्रल रेड फ्रिंज तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी यहाँ पे मिलेगी ना इसके बाद 0 के बाद लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इधर क्या बनेगा -λ -2λ इनके बीच में क्या होंगे λ/2 यहाँ पे 3λ/2 तो लैम्डा पे क्या मिल हुआ था 5 डिफरेंस एल लैम्डा किसके लिए था मैक्सिमा के लिए मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या मिलती है मैक्सिमम तो इन सभी पे मैक्सिमा बन रहे हैं मतलब और हर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है वो 4I0 आती है बराबर आती है कम ज्यादा नहीं होती है इसके जो ग्राफ बनेंगे पहली बार कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा कॉस स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बहुत पास पास बना दी मैंने समझ रही बात ये
ऐसे ग्राफ बनते हैं इसके। ये मिनिमा किस पे बन रहा है, इन पे लोकेशन क्या है, डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंजेस के लिए बन रहे लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा, ऐसे 9 लैम्डा बाय 2। इसमें एक खास बात है कि इंटेंसिटी देखो सब जगह बराबर, हर मैक्सिमा पे इंटेंसिटी बराबर मिल रही है। डिफ्रेक्शन में क्या हो जाएगा, कम इंटेंसिटी कम हो जाएगी, सेंटर पे मैक्सिमम, तो फिर एक ही मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। उसमें नाम ही अलग होते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंडरी सेकंड मैक्सिमा, ऐसे होते हैं। मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही, मैक्सिमम वैल्यू एक जगह मिलती है उसमें, बराबर है। इसके बाद कल पढ़ेंगे।